भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों पर है छाया। इनकी डिग्री को लेकर उठ रहे विवाद थमने का नहीं ले रहे हैं नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मेघा। एचआरडी मिनिस्ट्री जिसे लेकर विवाद लोकसभा चुनाव 2014 के बाद भी उस वक्त हुआ जब ये मंत्रालय स्मृति ईरानी को दिया गया और कल ही कैबिनेट का गठन हुआ। कल ही ये मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया और अब एक बार फिर से इस मंत्रालय को लेकर खबरें लगातार आने लगी हैं। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद को विपक्षी दलों ने 2014 के चुनाव हो जाने के बाद अपना मुद्दा बनाया, जिसका खामियाजा स्मृति ईरानी को भुगतना पड़ा। 2 साल के कार्यकाल के बाद स्मृति ईरानी से ये मिनिस्ट्री वापस ले ली गई और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ होने वाला है। स्मृति ईरानी के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए अब एक नई मुश्किल खड़ी हो गई है, क्योंकि निशाने पर रमेश पोखरियाल निशंक की डिग्री आ गई है। डिग्री विवाद में ये भी फंस गए हैं और इनका विवाद भी इतना गहरा है जिसे लेकर एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर या तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी या इस निशाने से बचने के लिए अपने मंत्रिमंडल में ठीक उसी तरह से इन्हें बदलाव करना पड़ेगा जैसे स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद के वक्त किया था। ये क्या विवाद है, इस विवाद ने जोर कब पकड़ा, किस तरीके से यहाँ पर डॉक्टरेट की डिग्री को लेकर विवाद यहाँ श्रीलंकन यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ है जिसके वजूद पर सवालिया निशान लग चुके हैं। डॉक्टरेट की डिग्री के शौकीन यहाँ पर रमेश पोखरियाल निशंक को लेकर किस तरह से उनकी यहाँ उपलब्धियों को लेकर, उनकी अचीवमेंट्स को लेकर, उनकी डिग्री को लेकर तमाम तरह के सवाल या निशान खड़े हो गए हैं। ये तमाम जानकारियां आपको देंगे अपनी खास रिपोर्ट के जरिए। स्मृति ईरानी के बाद एक बार फिर से एचआरडी मिनिस्ट्री जो है सवालों के घेरे में है। इस मिनिस्ट्री के पद पर भारतीय जनता पार्टी ने जिस चेहरे को नियुक्त किया है, जिसे जगह दी है, जिसे इसकी कमान सौंपी है, उनकी काबिलियत सवालों के घेरे में फिलहाल खड़ी है। क्या है पूरी जानकारी, ये जानने के लिए आपको देखनी होगी हमारी खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद के बाद एक नया विवाद भारतीय जनता पार्टी के एक और मंत्री के साथ जुड़ गया है। लोकसभा चुनाव 2019 के बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय में डिग्री विवाद के थमने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे। इस बार ये मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक को दिया गया है जो फेक डिग्री विवाद में घिर चुके हैं। अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाने का उन्हें शौक था, जिसकी वजह से श्रीलंका के एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से 2-2 डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के लिए उन्हें प्रेरित किया, जबकि यह विश्वविद्यालय श्रीलंका में पंजीकृत है ही नहीं, यानी इस विश्वविद्यालय को श्रीलंका में मान्यता प्राप्त है ही नहीं। पूरी जानकारी आपको देते हुए बता दें, 90 के दशक में कोलंबो की ओपन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने रमेश पोखरियाल निशंक को शिक्षा में योगदान के लिए डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की डिग्री से सम्मानित किया। कुछ सालों बाद उन्हें एक और डी लिट डिग्री उसी विश्वविद्यालय से मिली। इस बार विज्ञान में योगदान के लिए उन्हें दूसरी डिग्री मिली। पहली डिग्री उन्हें मिली थी शिक्षा में योगदान के लिए, दूसरी डॉक्टरेट की डिग्री उन्हें दी गई विज्ञान में योगदान के लिए। हैरान कर देने वाली बात यह है कि जिस विश्वविद्यालय से उन्हें ये डिग्री मिली वो ना तो विदेशी और ना ही घरेलू विश्वविद्यालय के तौर पर श्रीलंका में रजिस्टर्ड है। श्रीलंका के विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। मिली जानकारी की माने तो ये बात बीते साल देहरादून में फाइल हुई एक RTI पर उनके बायोडाटा के बारे में आधी अधूरी जानकारी निकल कर सामने आई। इतना ही नहीं, उनके CV और पासपोर्ट में अलग अलग डेट ऑफ बर्थ भी दर्ज है। CV के आधार पर पोखरियाल का जन्म 15 अगस्त 1959 को हुआ, जबकि पासपोर्ट में 15 जुलाई 1959 है। 5 जुलाई 1958 को उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पिनानी गांव में जन्मे निशंक ने हेमवती बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री हासिल की। उनके पास PhD और डॉक्टरेट की डिग्री है। एक वक्त पर आपको बता दें, डिग्री को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ कई तरह के विवाद जोड़ दिए गए थे। स्मृति ईरानी के डिग्री विवाद को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी खूब निशाने पर आई, जिसके बाद स्मृति ईरानी से ये मंत्रालय छीन लिया गया। अब यहाँ पर पोखरियाल को लेकर भी इसी तरह के विवाद सामने आ रहे हैं। इस विवाद को लेकर
पार्टी की ओर से औपचारिक तौर पर क्या बयान सामने आता है, और जब अगर ये तमाम तरह के वादे सच साबित हो जाते हैं, तमाम तरह की बातें सच साबित होती हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इसे लेकर एक बार फिर से कोई ठोस कदम उठाती है? इन तमाम सवालों के जवाब आगे आने वाले वक्त पर मिलेंगे।